गया, वापस नहीं आएगा। गलती कर दी तूने। Too late। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। येड़ा हो गया क्या रे? तू मारेगा या ये चिल्लर लोग मारेंगे? पुष्पा 2, राइटर रितिका पटेल, एंकर नितिन दहिया। श्रीवल्ली का क्या है सपना? माँ को किसने दी धमकी? क्या है पुष्पा टेंशन में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ पॉलीक्रेट स्टूडियोज में। ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पुष्पा ने अपने बिजनेस को अपनी मेहनत से एक ऊंचाई से काफी ऊपर पहुंचा दिया है। श्रीवल्ली के सपने के बारे में जानने के बाद अब वो श्रीवल्ली का सपना भी पूरा करने में लगा है। श्रीवल्ली ने पुष्पा को बताया था कि वो टीचर बनना चाहती है, लेकिन उसके गांव में स्कूल ना होने के कारण वो खुद ही आगे नहीं पढ़ पाई थी। तो अभी तो सबसे पहले उसे अपनी ही पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन श्रीवल्ली के सपने के पीछे जो एक और रीजन है वो ये है कि वो पुष्पा को इल्लीगल धंधे से बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि पुष्पा को इस धंधे में हमेशा ही जान माल का खतरा रहता है। श्रीवल्ली ने आगे पुष्पा से ये भी कहा कि वो दोनों मिलकर माँ के नाम पर एक सरकारी स्कूल भी खोलेंगे। ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे सपने उन दोनों ने मिलकर पूरे करने थे। एक सुबह माँ मंदिर के लिए घर से निकली और आधे रास्ते पहुँचते ही अचानक कुछ लोग आए और वो माँ को धमकाने लगे कि अगर उन्होंने पुष्पा को इस धंधे में घुसने से नहीं रोका तो वो उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। माँ ये धमकी सुनकर दहल गई और वो सीधा पुष्पा के पास गई और उन्होंने सारा इंसिडेंट पुष्पा को एक्सप्लेन किया। पुष्पा वैसे भी बहुत ही गुस्सैल आदमी था, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा वो अपनी माँ से प्यार करता था। बचपन से उसने हमेशा अपनी माँ का तिरस्कार होते देखा है, इसीलिए वो अपनी माँ को लेकर हमेशा चिंतित रहता था और वो बस अपनी माँ को हमेशा सेफ रखना चाहता था। और उसके बाद जब से ये इंसिडेंट हुआ तब से उसका दिमाग और खराब हो गया है कि अब उसके दुश्मनों के टारगेट में वो नहीं उसका परिवार है, जिसे लेकर पुष्पा को बड़ा टेंशन है और डर सता रहा है। और अब वो इतना फेमस हो चुका है कि वो ये सारा मैटर खुद ही सॉल्व करना चाहता है। और ये बात जब से उसने श्रीवल्ली को बताई है तब से श्रीवल्ली और माँ इस टेंशन में है कि कहीं पुष्पा अपने गुस्से से खुद को नुकसान न पहुंचा ले। पुष्पा ने श्रीवल्ली को इस बात की कड़ी हिदायत दी कि ना वो खुद कहीं अकेले जाएगी और ना ही वो अपनी माँ को कहीं अकेले भेजेगी। श्रीवल्ली भी पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने लगी है। पुष्पा ने अपने पूरे आदमियों को बुलाकर ये हिदायत दी है कि सबको अब अपने काम के साथ साथ उसके परिवार की भी निगरानी रखनी होगी। पुष्पा ने अब अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिशों को इंक्रीज कर दिया है और ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके गांव में जो एक और बड़ा ठेकेदार है उससे पुष्पा को सबसे ज्यादा दुश्मनी है और उसी ठेकेदार से ये वॉर जीतने के लिए उसको और भी बड़े लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और तो और उसे ये सब काम कम से कम समय में करने की जरूरत है। पुष्पा के दिमाग में एक और चीज जो आ रही है वो ये है कि इससे पहले पुलिस के रेड उस पर पड़े उसे अपने सारे पैसे व्हाइट मनी में चेंज करने होंगे या सेफली उन्हें कहीं छुपाना होगा और अब सारे के सारे पैसे ट्रक में भरकर कहीं भिजवाने की सोच रहा है। श्रीवल्ली को इन पैसों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है और जब उन्होंने इतने सारे पैसों को देखा तो वो परेशान हो गए कि अब इन्हें पुलिस नहीं छोड़ेगी और अब पुष्पा जेल जाने वाला है। और पुष्पा दोनों औरतों के चेहरे पर छपे इस डर को बहुत ही आसानी से देख पा रहा था और रात में पुष्पा ने दोनों को ये आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, वो टेंशन ना ले। पुष्पा ने जो बचपन से चीज देखी और सीखी है वो ये है कि जिसके पास पैसा होता है उसको सब भाव देते हैं, हर कोई उसकी जी हुजूरी करने में लगा रहता है, लेकिन जो बात कठिन है वो ये है कि आखिर ये पैसे कमाए कैसे जाएं। इतने सालों से पुष्पा अपने ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है। पुष्पा का गांव दुनिया भर में लाल बंबू के लिए जाना जाता है। उसके सामने ही यहाँ से कई लोग इसकी तस्करी करने में अमीर हो गए हैं और अब बस पुष्पा ने भी ये ठान लिया है कि उसे भी अब गरीबी का जीवन नहीं जीना और चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा। पुष्पा का दिमाग अब बस इसमें चलने लगा है कि कैसे उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना है। पुष्पा का जो ठेकेदार है उससे पुष्पा ने बिजनेस की हर बारीकी को सीख लिया है और बारीकी के साथ साथ जो चीज सबसे ज्यादा सीखने वाली थी वो ये थी कि कैसे इस लाल लकड़ी की डिमांड देश में और देश से बाहर कहां सबसे ज्यादा है।
कहां इसके सबसे ज्यादा डीलर्स हैं और कैसे इसकी मार्केट के अंदर इतना काम होता है। ठेकेदार के कारण उसे ये जानने को मिला कि कैसे हमें बड़े डीलर से नेटवर्क बनाना है और उनके जरिए अपना नेटवर्क बढ़ाना है, क्योंकि ये नेटवर्क ही है जिसके कारण हमें सब कुछ जानने और सीखने को मिल सकता है। और डीलर्स हैं जो पुष्पा को इस गांव के दलदल से निकाल सकते हैं। ये सब तो पुष्पा सीख ही रहा है, लेकिन उधर दूसरी ओर उसके मन किसी और बात पे फंसा हुआ है। दरअसल जहां पुष्पा काम करता था वहीं पर एक लोहार यानी के लोहे का औजार बनाने वाला भी काम करता था। पुष्पा बिजनेस के सारे झूठ समझता था और इसके साथ वो ये भी समझता था कि कैसे और कहां पुलिस रेड टिम्बर की ट्रैफिकिंग को चेक करती है। पुष्पा ने यहां तक कि सीवेज के भी सारे रास्तों के बारे में सर्च कर लिया था और अब वो तैयार है इस खेल को खेलने के लिए। पुष्पा ने इसके साथ ही साथ अपने गांव में गरीबों के लिए स्कूल खोलने का भी फैसला किया है। पुष्पा का बचपन बड़ा ही दर्दनाक रहा। वो एक बिन ब्याही माँ का बेटा था। गांव वाले उसे हमेशा गंदा खून कहते थे और अब इतने सालों बाद पुष्पा के मन में ये बात इस तरह से घर कर चुकी है कि वो अब समाज में अपने जैसे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पुष्पा एक दिन एक खुफिया रास्ते से 5 ट्रक रेड टिम्बर कहीं इलीगल पहुंचा रहा था, तभी पुलिस को पता चलता है और पुलिस पुष्पा को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन पुष्पा भी पूरी तरह से चौकन्ना था और उसने फुर्ती दिखाते हुए सारे के सारे टिम्बर्स नदी में अपलोड करने का फैसला लिया और पुलिस के साथ उसकी भयंकर मुठभेड़ होती है। लेकिन वो ये मुठभेड़ जीत जाता है और अंत में ये सारा टिम्बर उसके मंजिल तक पहुंचा भी देता है। पुष्पा आगे किन खतरों से लड़ते हुए दिखाई देगा, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। पुष्पा एक अच्छा आदमी है। वो आगे जाकर अपना घर एक अच्छी लड़की के साथ बसाना चाहता है। इसके लिए उसने लड़की पसंद भी कर ली है। नाम है श्रीवल्ली, अपने पिता की इकलौती बेटी जिसने अपने पूरे घर को संभाल रखा है। पुष्पा को श्रीवल्ली की ये बात सबसे ज्यादा पसंद आई और वो उसे अपना दिल दे बैठा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताइए कि आगे क्या हो सकता है।